यहाँ से गए ना फुटक, ये हुई है रात को हमारी हालत। शीशे ये ईट यहाँ पड़ी है, एक ईट वहाँ पड़ी है, ये गन शॉट हुआ है। करेक्ट, उधर का भी शुरू हो रहा है। ये गाड़ी पूरी डेंट हुई है, ये देखो बाइक मारी पूरी इन्होंने। ये है सोसाइटी और यहाँ पे हुआ है रात को, ये अपनी गाड़ी का कांच टूटा है पूरा का पूरा। भाई साहब बताता हूँ पूरी कहानी। क्या लगता है, एक कॉल के पीछे नहीं है, दे वर ऑलरेडी हियर, बाइक से चाहिए गुड़गांव का ही हाल है। अरे मजाक नहीं था कल यार, कल मजाक हो गया ना, छोड़ दो, खींचो मत, इसको खींचने का फायदा नहीं है। देख अगर आप एनिमिटी पे निकालेंगे ना, एनिमिटी की बात नहीं कर रहा मैं यार, बात शक्ल वकल में कोई याद नहीं किसी की, मैंने बोल दिया एक की पूछे थी बस, मेरे को बाहर पूछे याद आ दिख लिया कुछ, मैं पॉइंट ब्लैंक तुम पे शूट करके जा रहा है यार। भाभी सच्ची बताऊंगा, कल मैं बहुत काम काबली मैंने हैंडल कर लिया, मैंने बोला मैंने कहा लाले का दिमाग चला पता नहीं कैसे, अगर मैं अगर गाड़ी रेस दे देता, ये बोल रही गाड़ी क्यों मंगाया आप लोगों ने, उठा कर देता उसे, ऐसे लगा रखा था भाभी, उसने मारा है यार, सही फायर, अभी दिखाता हूँ ना, अभी नोट करियो ना, वो जहाँ पे उसने छर्रा गन शॉट जो आया कहाँ लगा वो, हाँ यहाँ से गए ना फुटक, ये हुई है रात को हमारी हालत। शीशे ये ईट यहाँ पड़ी है, एक ईट वहाँ पड़ी है, ये गन शॉट हुआ है। करेक्ट, उधर का भी शुरू हो रहा है। ये गाड़ी पूरी डेंट हुई है, ये देखो बाइक मारी पूरी इन्होंने, ये ठीक हो जाएगी, हालत खराब हो रखी है रात से, दिमाग खराब, हालत खराब, फुल ट्रॉमा ऑन है। ये देखिए टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल, 3 अनआइडेंटिफाइड मैन एलिजिबली स्नैच्ड अ हुंडई क्रेटा एसयूवी एट गन पॉइंट फ्रॉम द ओनर ऑफ कार सर्विस स्टेशन while he was having tea in Gurugram sector 71 early on Wednesday. The car belongs to a customer who left it for servicing around 3:50 a.m. 3 or 4 baje ke beech mein subah. When I was returning home in the car, I stopped near a fuel refilling station and poured myself a cup of tea inside the car. Just then 3 men came on a motorcycle and asked me to surrender the car. When I refused, one of them pointed a pistol at me. To ye kafi common ho rakha hai bhai. तो ये सब काफी कॉमन हो रखा है भाई लोग, मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ सब सतर्क रहें, सेफ रहें यार, फैमिलीज हैं आगे पीछे हमारे, सेफ रहना बहुत जरूरी है। मैं आप लोगों को एक्सप्लेन नहीं कर सकता एग्जैक्टली इन वर्ड्स की क्या फीलिंग थी उस रात को, व्हेन माय वाइफ केम एंड शी आल्सो केम अलोंग विद एक्स्ट्रा कॉप्स, इट वाज अ एक्सट्रीमली हैरोइंग एक्सपीरियंस, एक्सट्रीमली हैरोइंग एक्सपीरियंस। सेफ्टी फर्स्ट मैन ऑलवेज। ये देखो ये है सोसाइटी और यहाँ पे हुआ है रात को, ये अपनी गाड़ी का कांच टूटा है पूरा का पूरा। भाई साहब बताता हूँ पूरी कहानी। नमस्ते, तो आप लोगों ने ये फुटेज देखी है, सीसीटीवी की फुटेज जो मैंने अभी इस वीडियो में आप लोगों को दिखाई है। ये इंसिडेंट हुआ है मेरे और मेरे दोस्त के साथ कुछ दिन पहले। वी वर सिटिंग इन आर कार हैविंग कॉफी एट अराउंड 12:20 इन द नाइट, आई डोंट रिमेम्बर द टाइम एग्जैक्टली। और हम लोग कुछ डिस्कस कर रहे थे काम के बारे में, गाने के बारे में, एक वीडियो के बारे में, एंड देन सडनली 9 गून्स क्रैंक्ड अप इन ऑन मोटरसाइकल्स एंड शॉट ऑन आर कार। वो बुलेट मार्क भी है, आई थिंक या तो कट्टा था एंड या वॉज अ रिवॉल्वर, आई डोंट नो, मे बी अ 0.22। द पुलिस सेज इट्स अ 0.22, गाड़ी पे मार्क भी है सामान का, बुलेट का स्क्रैप करते हुए। तो हम गाड़ी में बैठे थे बड़े आराम से, शांत अपना काम डिस्कस कर रहे थे, एंड सडनली पहले एक बाइक पे 3 गूंज क्रैंक्ड अप ड्राइवर सीट के पास, एंड उन्होंने पिस्टल तानी हमारे विंडो पे और खूब सारी गालियाँ निकाली, शीशा खोल, शीशा खोल, शीशा खोल, शीशा खोल। सो माई फ्रेंड सेड यार
भाई अपना फोन दे दे। तो दोनों फोन ल्योर करने की कोशिश करी हमने कि फोन ले लो, पर शीशा नहीं खोला। वो कोशिश करते रहे, गूंज कोशिश करते रहे। उतनी देर में ना जैसे उन्होंने ये बंदूक तानी और गालियां निकाली हैं, वन बाइक ऑल्सो आगे को गाड़ी के आगे आके लग गई विद थ्री मोर पीपल। जैसे उसने फायर कराया, दो मिनट भी क्या, मतलब कुछ सेकंड के लिए मेरे को तो लगा, मेरे मुझे अरमाद निकल, मेरे को तो लगा भाई काम हो गया। लकीली दैट बुलेट कुड नॉट पेनेट्रेट द शीशा, पर शीशा चटक गया पूरा। एंड सडनली पीछे से दो लोग और आते हैं राइट हैंड साइड से, और इतना बड़ा एक बोल्डर पत्थर ईटे के साइज का उन्होंने शीशे पे फेंका जो आके ड्राइविंग सीट पे गिरा, के नीचे गिरा। एंड देन व्हाट आई रियलाइज इज माय फ्रेंड जस्ट यू नो कॉट माय नी, मतलब ये इशारा करते हुए कि एडी भाग। व्हाट आई रियलाइज इज कि गून ने अपना हाथ अंदर डाला है शीशे से, टूटे हुए शीशे से, और पीछे का दरवाजा खोला है एंड पीछे बैठ गया है। इतने में माय फ्रेंड कम्स आउट द कार, पुशेस देम एंड रन्स टुवर्ड्स द गेट ऑफ द कॉलोनी। ये हुआ उसके कॉलोनी गेट के 10 मीटर आगे, बहुत प्रॉपर लिट एरिया था, गुड़गांव का एक हैबिटेड एरिया है, कोई सुनसान रोड पे बैठ के बवाल नहीं काट रहे थे हम, यू नो टू बी रियली ऑनेस्ट। एंड जैसे ही वो भागा है, पीछे बंदा आके बैठा एक गून, मेरे को रियलाइजेशन है कि यार ये तो यू नो लाला तो निकल लिया। उतने में मैंने रियलाइज कराया कि लेफ्ट हैंड साइड पे जो मेरा गेट, जो मेरा ड्राइवर सीट के बाजू वाली सीट होती है, लेफ्ट हैंड साइड गेट पर दरवाजे पर फिर दो या तीन लोग आगे खड़े हैं, आई थिंक दो या तीन थे उस टाइम। प्रेजेंस ऑफ माइंड भाई यू नो काफी क्योस हो जाता है। आई डोंट थिंक वी पैनिक्ड, आई थिंक बोथ ऑफ अस, ऑफ कोर्स देयर वाज अ लिटिल पैनिक, बट बोथ ऑफ अस ट्राइड एंड हैंडल द सिचुएशन वेरी वेल। तो उतने में मैंने देखा कि पीछे गून बैठा है और वो चिल्ला रहे हैं कि यू नो चाबी दे। इतने में मैंने दरवाजा खोला, धक्का दिया उनको और मैं भी भागा हूँ टुवर्ड्स द गेट। एंड आई रियली थॉट कि जब हम भाग रहे हैं कि ये लोग पीछे से फायर करेंगे, और मैं जाके सोसाइटी के गेट पे ऊपर चढ़ गया हूँ। वो गेट के जो गार्ड्स थे उन्होंने थोड़ा टाइम लगाया खोलने में, ऑफकोर्स यार गनशॉट की आवाज़ आई है, हल्ला हुआ है तो डरते ही हैं। उतना मैंने लाले को बोला, मैंने कहा पुलिस को फोन कर। मेरे फोन में बैटरी बहुत कम थी उस टाइम, फोन चार्ज रखना बहुत ज़रूरी है यार, ये एक सबक सिखाऊँ मैंने, ये फोन 24 घंटे चार्ज रखना बहुत ज़रूरी है। उतने में दिस पीपल हैव लकीली द कार कीज वर विद अस ओनली, समझदारी थोड़ी दिखाई। एंड दोज गाइज ट्राई टू प्रोबेबली यू नो टेक द कार या स्टील द कार, पर वो हो नहीं पाया। और हम लोग गेट के पास गए, हमने पुलिस को फोन करा, बहुत जोर से चिल्लाए हैं, देखोगे आप अभी सीसीटीवी फुटेज में कि पुलिस आई है और सब केस सॉर्ट करने की कोशिश करी गई है। सडनली मतलब ऑल PCR वैन्स वर देयर, लाले ने अर्जुन ने मतलब माई फ्रेंड कॉल्ड ऑन 100 नंबर एंड देन माई वाइफ ऑल्सो कॉल्ड, सारे के सारे यू नो हल्ला हो गया था गुड़गांव में कि ऐसे कोई कांड हुआ है। बहरहाल पुलिस आई, ये लोग गाड़ी स्टार्ट नहीं कर पाए गूंज, और पुलिस आने कुछ 15 से 16 मिनट पहले ये लोग भाग गए। मुंह कवर्ड थे प्रॉपर, एक बाइक थी स्प्लेंडर, एक राजदूत जो मैंने देखी है, नंबर हम देख नहीं पाए। वो सीसीटीवी फुटेज के कैमरे ऐसे लगे हुए थे कि नंबर आ नहीं पाए हैं। पर जी हाँ, ये इंसिडेंट के बाद पुलिस केम एंड पुलिस हैज मेड FIR लॉज हुई है। एंड शॉक तो हम थे काफ़ी देर तक, यू नो मेरे को तो 4-5 दिन लग गए हैं और दिमाग सॉर्ट करने में और समाधान निकालने में। सो काफ़ी से मिले हैं, पार्षद से मिले, यू नो सारे कॉन्टैक्ट्स जितने हमारे हैं हमने भी बात करी है। एंड कहते हैं कि गुड़गांव में ये क्रिमिनल केसेस कार रॉबरी के, थेफ्ट के, यू नो नैबिंग के, ये बड़े कॉमन हो चुके हैं अब। एंड द पुलिस ऑफिसर ऑल्सो सेड कि लकीली इट वॉजन्ट माई बेंज, हम लोग क्रेटा में थे, मेरी गाड़ी में नहीं थे, कि लकीली यू वर नॉट इन अ बेंज, बेंज में तो दे वुड हैव शॉट ऑन यू नो ऑन पॉइंट एंड टेकन द कार एंड दे वुड हैव रन अवे। तो अक्सर ये बोला गया है कि बताया गया हमें कि अक्सर ये लोग अगले दिन कोई क्राइम प्लान कर रहे हो तो रात को गाड़ी नैप करते हैं। अगले दिन पुलिस से मिले, काफ़ी कुछ हुआ, पार्षद से मिले, से मैंने बताया आप लोगों को। एंड जब हमारे साथ इंसिडेंट हुआ है कुछ 3 और 4 बजे के बीच में, Sector 71 गुड़गांव में एक कार सर्विस वर्कशॉप के ओनर के साथ भी यही हुआ है। ही वॉज ड्राइविंग इन अ क्रेटा, वो चाय पी के निकला है, इन लोगों ने गन पॉइंट करी है और कहता मार देंगे, और गाड़ी की चाबी ली और भाग गए क्रेटा लेके। सो आई थिंक दिस गून्स आर हूएवर दिस पीपल आर बेसिकली लुकिंग टू नैपिंग कार्स फॉर द क्राइम्स द नेक्स्ट डे और दैट नाइट दैट दे डू। सो मेरी सबसे विनती है, सब बहुत केयरफुल रहें, अलर्ट रहें, रात को ज़रा ट्रैवल ना मारें, क्योंकि ये आज हमारे साथ हुआ, किसी के साथ भी हो सकता है भाई लोग। मैंने आपको गाड़ी की फुटेज दिखाई है इस व्लॉग में, अभी आप गाड़ी की फुटेज देखेंगे इस व्लॉग में कि क्या हाल हुआ है। मतलब देयर वाज कांच हमारे हाथ के अंदर, हमारे जैकेट्स के अंदर, हमारे लेग के अंदर पियर्स करा है, क्रॉक्स पहने हुए थे मैंने, और यू नो वी वर नॉट, ऑफ कोर्स वी वर जस्ट हैंगिंग आउट एंड वी वर ड्रेस्ड द वे वी जनरली ड्रेस अप। तो हाँ, टेटनस लग गया है, सब कुछ हो गया, बट इट वॉज अ वेरी वेरी क्रेजी एक्सपीरियंस मैन। यू नो आई डोंट थिंक एनीबडी शुड एवर एक्सपीरियंस कोई आप पे आके खड़े पिस्तौल यू नो तान दे। वो तो लकीली हम दोनों का दिमाग, किस्मत
कॉमन गुड वाइब ने बचाया है, कुछ अच्छे कर्म करे होंगे, नहीं तो भाई कुछ भी हो सकता था। क्रेजी एक्सपीरियंस मैन, क्रेजी। ध्यान रहें, सतर्क रहें, ये एक अवेयरनेस वीडियो है, ये आज हमारे साथ हुआ, किसी के साथ भी हो सकता है, ठीक है जी। इस वीडियो को आप ज़्यादा शेयर करें, अवेयरनेस क्रिएट करें, ताकि लोगों को पता चले कि ऐसा एग्जिस्ट कर रहा है NCR में। तो सब लोग सतर्क रहें एंड सेफ रहें। हर हर महादेव।